प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा थी कि गायों को सुरक्षित रखा जा सके और किसानों की फसलों को भी बचाया जा सके। संपूर्ण प्रदेश में गौशालाओं का संचालन भी इसीलिए शुरू किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारों की वजह से योगी जी की मंशा को पलीता लगाया जा रहा है। जालौन से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो किसी भी गौ भक्त को रुला सकती हैं। देखिए खास रिपोर्ट। वो कौन सा युग था जब इंसानों ने मुझे माँ का स्वरूप बना दिया। जब एक मानव जाति की माँ अपने बच्चे को दूध उपलब्ध नहीं करा पाई, तब मैंने इंसानों को अपना दूध पिलाया। शायद यही वजह थी कि तुम इंसानों ने मुझे अपनी माता कह दिया, अपने पुराणों में मेरा जिक्र किया, मेरी तारीफें की। आज भी तुम मेरा दूध पीते हो। इंसान के किसी परिवार का बिना मेरे दूध के काम नहीं चलता। पहले मैं हर किसान के घर का सदस्य हुआ करती थी। गांव-गांव और शहर-शहर मुझे पूजा जाता था। मेरे लिए हर घर में एक रोटी जरूर बनती थी। मगर आज मुझे बंधक क्यों बना दिया? जी हाँ, यह हम नहीं कहते, यह उस गाय की वर्तमान के हालात हैं। क्योंकि अगर एक गाय में मानव जैसी सोचने की शक्ति होती तो वो यही कहती, क्योंकि आज जो गौवंश की हालत है वह बद से बदतर हो गई है। गाय की पूजा करने वाले हर व्यक्ति का इस तस्वीर को देखकर कलेजा कांप जाएगा। अब देख लीजिए इस गाय को, जो गौशाला के गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से काल के गाल में समा गई है। कहने को तो सूबे के मुखिया खुद गौ भक्त हैं, तो क्या ये तस्वीर से उनका कलेजा नहीं कांपेगा? माना कि मुख्यमंत्री ने कोई गलती नहीं की गौशाला बनवाकर, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने योगी जी की मंशा को कलंकित कर दिया। गौशाला में गाय के मरने की हकीकत किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अगर एक गाय को कुत्ते नोच नोच कर खा जाए तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? तस्वीरें कोंच विकास खंड के ग्राम सुनाया में बनी गौशाला की है, जहां उचित रखरखाव और भूषा आदि की व्यवस्थाएं न होने के कारण गाय एक के बाद एक करके दुनिश से अलविदा कह रही है। आज फिर भूख यहां पर दो गौवंशों की मौत हो गई है। गौशाला की देखरेख न होने के कारण इन गौवंशों को कुत्ते नोच कर खा गए। जब ग्रामीणों ने देखा तो जिलाधिकारी कोंच अशोक कुमार थाना कैलिया पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। वहीं घटना के बाद बजरंग दल के नगर संयोजक आकाश उदयनिया मौके पर पहुंच गए। बता दें, उपजिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित कर गौशाला की व्यवस्था जल्द से जल्द दो दिन में सुधारने की बात कही। वहीं बजरंग दल के नगर संयोजक आकाश उदयनिया ने कहा कि कोंचवार नदी गांव विकास खंड की अधिकांश गौशालाओं का यही हाल है। कई बार ब्लॉक के अधिकारियों से कहा, लेकिन गौशाला के मामले पर अधिकारी गंभीर नहीं है। ग्राम सुनाया में सूचना हुई थी कुछ गौवंश मृत पड़े हुए हैं। ये घटना आज से नहीं, काफी महीनों से आ रही है कि एक आध गौवंश रोज मर रहे हैं। करीब यहाँ 100 गौवंश थे, 60 गौवंश बचे हुए हैं। 4 गौवंशों की ऐसी भूख से व प्यास से मृत्यु हो गई है इनकी। तो इसको लेकर उपजिलाधिकारी महोदय को सूचना की थी। उपजिलाधिकारी मौका पर आए, मौका मुआयना करके उन्होंने व्यवस्था देखी, आश्वासन दिया है कि यहाँ की व्यवस्था चौकन्न करेंगे, पानी व भूसा की उचित व्यवस्था की जाएगी, रख रखाव की। तो अन्यथा व्यवस्था नहीं की गई तो सचिव व विकासखंड अधिकारी पर होगी कार्रवाई। अब सोचने वाली बात है कि जब गौशालाएं बनवाई गई हैं तो उनकी देखरेख और व्यवस्थाओं के लिए जिले के अधिकारी जांच क्यों नहीं करवाते? आखिर कब तक हिंदू धर्म में मां कही जाने वाली गाय का तिरस्कार किया जाएगा? यही बात किसी और को नहीं बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। जालौन से न्यूज वीके के लिए देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट।